नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के लोगों का विचार क्यों और कैसे है उस चीज को लेकर के आज के डेट में हम लोग काम करते हैं। बहुत से लोग परेशानी फील करते हैं काम करते हैं, खासतौर से नए लोगों की बहुत परेशानी होती है और परेशानी उनकी खुद का नहीं होता, नहीं बिल्कुल नहीं, परेशानी उनका खुद का नहीं होता, परेशानी किसका होता है? मार्केट में लोगों का। लोग मिलते हैं तो 50 प्रकार की बातें करते हैं, कोई कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है, यही परेशानी होता होगा आपको, हो रहा है ना? चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो एक बार क्या हुआ, चार अंधों को बुलाया गया, चार अंधों को बुलाया गया इसलिए कि आओ आज आपको मैं हाथी दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? हाथी। हाथी दिखाने के लिए बुलाया गया और चार अंधों को वहां बुलाने के बाद हाथी के पास लेके गया आदमी। लेके जाने के बाद एक एक करके उनको हाथी को स्पर्श कराया गया। एक बंदा जब आया हाथी के पास तो उसका पूछ पकड़ा, पूछ पकड़ने के बाद सहलाया और देखने के बाद इससे पूछा गया कि हाथी कैसा है, तो उसने बोला हाथी एज ए रस्सी की तरह। कैसा है? रस्सी की तरह है हाथी, एक रस्सी की तरह कोई वस्तु है जी। दूसरे को पकड़ाया गया तो दूसरा वाला आया तो उसका पांव को छुआ, पांव को स्पर्श करने के बाद इससे पूछा गया हाथी कैसा लगा आपको, तो बोला हाथी एज ए ताड़ का पेड़। हाथी एज ए ताड़ का पेड़, ये ताड़ का पेड़ के जैसा है, बोला वेरी गुड। तीसरे बंदे को बुलाया गया तो तीसरे बंदे को बुलाया गया तो हाथी का पेट पे स्पर्श कराया गया, पेट पे, तो पेट स्पर्श करने के बाद उससे पूछा गया हाथी कैसा लगा आपको, उसने बोला हाथी एज ए दीवाल जिसको प्लास्टर नहीं किया गया है, रूखा है हाथी, कैसा है? रूखा, प्लास्टर नहीं किया हुआ एक दीवार की तरह है, बोला गुड। चौथे को बुलाया गया तो चौथे को हाथी का कान पकड़ाया गया, बोला देखो ये हाथी है, उसने हाथी को कान को स्पर्श करने के बाद पूछा गया कि हाथी कैसा लगा आपको, इससे बोला अरे ऐसे तो हमारे गांव में सूप होता है, सूप जहां पे घर में माताएं बहने चावल वगैरह सब सामान करती हैं, और चारों लोगों का एक जगह जब विचार लाया गया और पूछा गया चारों लोगों से कि हाथी कैसा है, और चारों आपस में लड़ गए, किसी ने बोला हाथी रस्सी की तरह है, किसी ने बोला हाथी पेड़ की तरह है, किसी ने बोला हाथी दीवार की तरह है, किसी ने बोला हाथी सूप की तरह है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप बताओ किसकी दोष है इसमें? क्या उनकी कोई दोष है? बिल्कुल नहीं, उन्होंने जिंदगी में कभी हाथी देखा ही नहीं, उनको जैसा समझ में आया वैसा बोल रहे हैं, उनकी कोई दोष नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आज से नेटवर्क मार्केटिंग को लोग ऐसे ही देख रहे हैं, जितने लोग हैं जिसको जो पता है वही बोल रहा है, रियलिटी किसी को पता नहीं है, हकीकत इसका है क्या नहीं पता, लेकिन जिसका जितना अनुभव है हाथी के बारे में उतना बोल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो जितना जानता है वो उतना बोल रहा है। हकीकत तो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग आज दुनिया का एकमात्र ऐसा जगह बन चुका है, करोड़ों लोगों को करोड़पति बनाने का इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर बन चुका है, एकलौता ये है नेटवर्क मार्केटिंग। आप मार्केट में परेशान बिल्कुल ना हो, लोग आपको जैसे भी बोलते रहे, आप बस ये कहानी मेरा याद करिएगा कि सर ने एक कहानी बताया था नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, लोगों की अलग अलग अपनी विचारधारा है, ठीक है, ओके।